मशरूम को धुलेंगे अच्छे से, फिर इसका पानी सुखा के एक बर्तन में घी लेंगे, इसको भुनेंगे और उसके बाद उसका पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, इसमें पपाया नहीं जाएगा, 2 स्पून रोस्टेड चना पाउडर है, ये उसको थोड़ा सख्त होल्ड करने के लिए, ये बाइंडिंग आ जाए है ना, जावित्री इलायची पाउडर, इससे खुशबू आएगी, पीली मिर्च। अब ये है डालेंगे इसमें कबाब मसाला। ये कबाब मसाले में क्या क्या होता है? इसमें कबाब चीनी है, शाही जीरा है, पत्थर के फूल हैं, जीरा है, इलायची है, ये वही मसाला है, हाँ, जो हमारे दादा परदादा यूज करते थे, ये वही रेसिपी चल रही है। आप तो चौक से हैं, वहाँ तो मतलब मेन खाना ही है, खानदानी यही काम है। ये क्या मसाला है? ये है पोटली का मसाला। पोटली का मसाला जी, ये क्या होता है? ये हमारा सीक्रेट मसाला है, इसमें 24 से 26 मसाले जाते हैं। हम अभी तो एक मसाले में सीक्रेट की बात हो रही थी, दूसरा भी सीक्रेट मसाला है। ये भी कुरैशी मसाला है। तो ये भी कुरैशी मसाला है जी भाई साहब, ये सीक्रेट मसाले अब ये बताना पड़ेगा आपको लोगों को, बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें खसखस की जड़ है, पान की जड़ है, शाही जीरा है, और इसमें पत्थर के फूल हैं। पत्थर के फूल क्या होता है? पिक्चर होती है पत्थर के फूल। पत्थर के फूल भी आते हैं जो हर किसी को नहीं पता है। अब कुछ मतलब कारों का खजाना है कि हमको नहीं पता, ढूंढने मिलेगा। और ये सब मसाले आपको सिर्फ चौक में मिलेंगे, पुराने लखनऊ में। अब इसमें क्या किया जाए? अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। चलिए अब थोड़ा इसमें डालेंगे ब्राउन अनियन पेस्ट, अनियन को फ्राई स्लाइस करके फ्राई करा है, फिर उसका पेस्ट बनाया है। अब ये क्या है? ये है फ्राई काजू, काजू का पेस्ट। बहुत बढ़िया, इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, एकदम सौंधा पंदा रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इसमें डालेंगे सैफ्रॉन, इसमें केवड़ा है, केवड़ा वाटर है, हाँ, तो यही तो खुशबू देगा जी, ना, यही मजा देगा। अब इसमें स्मोक देंगे, अरे बाप रे, बहुत गर्म है। और इसमें धुआं है अंदर, कोयला है, वो मैं छूंगा नहीं, आज जल जाएगा। कोयले में थोड़ी लौंग डालेंगे, इसको रख दिया जी, और इसमें डालेंगे देसी घी। वाह, अब इसको ढक देंगे इसमें। तो ये इतनी शानदार सुराही टाइप के बर्तन से देसी घी कभी डाला आपने घर में अपने? हैं ABP News, आपको रखे आगे।